ये कहते हैं तुम छोटी सी बच्ची हो क्या, तुम मेला देखने जाओगी, पर मैं इस बार सच में जाऊंगी। मैं हूँ छोटी सी बच्ची, मैं जाऊंगी। वो बिल्डिंग दिख रही है गाइज ना, उसके पीछे गगन सिनेमा हॉल है। तो हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। आज गाइज मैंने बहुत दिनों बाद सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। बहुत दिन, मतलब 3-4 दिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई ना, मैं ऐसे कभी दोपहर को कभी कभी ऐसे ब्लॉगिंग कर लेती थी, बट आज मैंने अच्छे से ब्लॉगिंग सुबह सुबह स्टार्ट किया है। तो घड़ी में बज गए हैं 8:35, आपको दिख रहा होगा। और पूजा पाठ हो गया हमारा, खाना वाना बन गया है, लंच मैंने हस्बैंड जी का पैक कर दिया है टिफ़िन में, तो बैग में रख दिया उनके। और बस नाश्ता बनाना है, तो नाश्ते में कुछ नहीं बनाना है, बस मैंने कल जो फ्राई बनाए थे ना उन्हें फ्राई करूँगी और चाय बनाऊँगी। तो चलती हूँ फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। और हस्बैंड जी अभी तक दूध लेने नहीं गए हैं, अभी पूजा कर रहे हैं वो, तो पूजा पाठ कर लेते हैं फिर दूध लेके आएंगे, फिर बनाएंगे चाय। चाय तो बहुत टेस्टी लगता है फ्राई किया हुआ फ्रा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे फ्रा। तो गाइज यहाँ पे फ्रा और यहाँ पे गर्म हो रहा है तेल, और यहाँ पे धनिया मिर्चा जिसे हम कूटेंगे अच्छे से। तो मिर्चे को बस इतना ही जलने देना है गाइस, ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि अभी ये और भी ज़्यादा एकदम काला हो जाएगा, आप देखेंगे। तो गाइस किस किसने खाया है कमेंट करके बताओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, सच में बहुत टेस्टी। तो गाइस यहाँ पे ले आए इसको और बेलन से कूटेंगे। बाबू इस बार कुटनी ले देना। तो गाइस हस्बैंड जी कह रहे हैं कि मिक्सी में कर लो, पर मुझे इसका दरदरा पेस्ट चाहिए। नहीं, वो उसमें पाउडर हो जाता है बिल्कुल ही, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं सब्जी में डालती हूँ कद्दू वाले ना, वही वाला चाहिए। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ भाई, मुझे अच्छा लगता है। मैं कुटनी ले लूँगी जल्दी, मार्केट में जाती हूँ सोचती हूँ ले लूँ, फिर सोचती हूँ मिक्सी है कोई काम नहीं लगता, थोड़ा मोड़ा काम लगता है तो इससे ही काम चला लेते हैं। कोई बात नहीं यार, कर लेंगे, इतनी परेशानियाँ झेलनी चाहिए। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मुझे इतना दरदरा पेस्ट ही इसका चाहिए था, पेस्ट नहीं मतलब इतना दरदरा पाउडर चाहिए था। तो बहुत अच्छे से हो गया है, तो है ना कमाल की टेक्निक। मैं करती हूँ ऐसे, 3 से 4 मिनट लगा है बस। तो जब इसका हम फाइन पेस्ट बना देते हैं, मतलब पाउडर बना देते हैं गाइज ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मार्केट से मैं लाई हूँ पिसा पिसाया धनिया मिर्ची सब कुछ, पर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं इसलिए घर पर जब भी फरे बनाती हूँ ना, तो घर पर ही इसे कूटती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है इससे। तो चलिए गाइस फटाफट से बना लेते हैं, हस्बैंड जी भी चले गए हैं दूध लेने। तो चलिए गाइस नाश्ता वास्ता आ गया है, नाश्ता कर लेते हैं फटाफट से, फिर मिलते हैं आपसे। नाश्ते में है फरा। चल ठीक। तो गाइस नाश्ता वास्ता करके मज़ा आ गया, सच में बहुत टेस्टी था। बाबू अच्छा था। चलिए काम वाम तो सारे खत्म हो गए, बर्तन धुलने हैं, तो बर्तन में थोड़ा लेट ही धुलूंगी। लंच पैक कर दिया आपको? हाँ क्यों, लंच ले जाओगे? मैंने रख दिया, ले जाओ मत ले जाओ तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने रख दिया लंच लेके जाने। तो गाइज यहाँ पे आ गया चिल्ली पटाटो, बहुत दिनों बाद आया है चिल्ली पटाटो। और पतिदेव क्या लाइक लेके आए हैं, क्या लाए बाबू? हाँ खा लो खा लो, उसे भी खा लो, थैली भी खा लो। हाँ भाई देखो, देख रहे हो हाथ भी नहीं छोड़ते चाटने को। खा लो खा लो, पन्नी खा लो, पन्नी खा लो, देख रहे हो। मैं तो खाऊंगी चिल्ली, ये अपने लिए लाए मोमोस, मुझे मोमोस नहीं खाना है, मैं खाऊंगी चिल्ली। सच में बहुत टेस्टी बनाया हुआ है। बाबू कमरा बंद है रहा यार।
तो गाइस शाम के बज गए हैं 5:30 और हम आ गए हैं छत पे। तो मेरी तुलसी मैया जो थी वो सूख गई थी, तो हस्बैंड जी आज दूसरी लाए हैं तुलसी जी का पौधा, तो वही लगा रहे हैं। तो मैंने सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया, जैसा कि आप लोगों ने देखा नीचे मैंने दिखाया सड़क टूट फूट रही थी, पता नहीं क्या, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो ब्लॉगिंग करने लायक ही नहीं था, मतलब ब्लॉगिंग में आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो अभी थोड़ी देर पहले बंद हुआ है, तो मैंने सोचा छत पे चल के थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ मैं जो पौधा हस्बैंड जी लगाए हैं। बहुत मतलब हम लोग गांव गए हैं ना जब ये ऐसा हुआ, कहाँ पे, तो गाइस ये वाला पौधा आज हस्बैंड जी लेकर के आए हैं, वही लगाए हैं। तो ये तो सही कर दो, आज चाकू लाई हूँ, वो क्या रखी हूँ, ले लो दवाई, पता नहीं कौन सी दवाई मारते हैं ना, वही दवाई मारा करो, इन पे ना कीड़े लग गए हैं, तो ये इनमें फूल कहाँ से आए, इनसे सामने वाले अंकल जी से, उसे निकाल देना, उसमें रखना मत, ठीक है, अच्छे वाले पत्ते मत काटो यार। जो सूख गए वही काटो ना, नए वाले क्यों काट रहे हो, हरे हरे। तो गाइस बिल्कुल ही शाम हो चुका है, आप देख सकते हो शाम का नज़ारा कुछ इस तरह से है, सूर्य देवता डूब गए हैं और चंद्रमा यहाँ पे निकल गया, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का छोटो सा चंद्रमा। तो गाइस पता नहीं क्यों आजकल मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ, मतलब जैसे वीडियो बनाने का टाइम होता है ना कुछ मेरे साथ हो जाता है, मेरा वीडियो ही नहीं बन पा रहा है, मैं क्या बताऊँ। और अभी नवरात्रि चल रहा है इसलिए कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, नवरात्रि बाद हम लोग घूमने जाएंगे। और गाइस दशहरे का मेला आने वाला है, तो सच में दिल्ली में क्या बढ़िया मेला लगता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, तो हम लोग इस बार ज़रूर जाएंगे, पिछली बार हम लोग नहीं गए थे मेला देखने। और मेला ना इनके मतलब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, वो बिल्डिंग दिख रही है गाइस ना, उसके पीछे गगन सिनेमा हॉल है, उसके पीछे ही मेला लगता है दशहरा का, तो इस बार हम लोग पक्का जाएंगे, और इतना नज़दीक लगता है तो पैदल पैदल ही चले जाएंगे। तो गाइस देख रहे हो केले का पौधा कितना सही हो गया, उतने सारे सूखे सूखे पत्ते निकले, मोर पंख तो ऐसे कभी नहीं होता था, इस बार ये भी ख़राब हो गया ना, सही तो है नहीं, हम लोग आए नहीं ना 10-15 दिन गांव में ही रह गए इसलिए ख़राब हो गया। तो यही तुलसी जी का पौधा, यार मुझे लग रहा है ना किसी पौधे वाले को बुलवा के तुलसी मैया को हटवा के फिर इसे बीच में लगवाओ, ठीक है, और 2-3 पौधा ना इकट्ठा लगाओ। गाइस इनसे बोलो ना, तो ये कहते हैं तुम छोटी सी बच्ची हो क्या, तुम मेला देखने जाओगी, पर मैं इस बार सच में जाऊंगी, मैं हूँ छोटी सी बच्ची, मैं जाऊंगी, ऐसा थोड़ी है कि छोटे बच्चे ही मेला देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, तो हम भी देखेंगे इस बार, आप लोग को भी दिखाएंगे, बहुत अच्छा मेला लगता है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा मुझे पता है, आप लोग भी बोर हो रहे हैं, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।